पांच ऐसी टीम्स जो कि चैंपियन लीग राउंड ऑफ 16 या फिर नॉकआउट मैचेस में सबसे ज्यादा थ्रेटनिंग दिखने वाली है। अब देखो नंबर पांच पे मैं थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूज हूँ पीएसजी और एथलेटिको मैड्रिड में, बट मेरे को लगता है कि यहाँ पर अल्टीमेटली क्योंकि चैंपियन लीग नॉकआउट में क्लच सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर मैं इस समय पीएसजी के साथ जाना चाहूंगा। लेकिन अगर नंबर चार की बात करें तो बार्सिलोना प्रॉपर यहाँ पर मेरे को लगता है कि बार्सिलोना इस सीजन तो कप कॉम्पिटिशन के लिए प्रिपेयर हो रही है, कंसिस्टेंसी यहाँ पर उनमें नहीं है, लेकिन इंडिविजुअली क्वालिटी यहाँ पर बहुत ज्यादा है। नंबर तीसरे की बात करते हैं तो यहाँ पर रियल मैड्रिड है, एक्सपेक्ट दी अनएक्सपेक्टेड भाई। यहाँ पर रियल मैड्रिड चैंपियंस लीग में उनकी एक हेरिटेज है, एक लेगेसी है, और यही इस सीजन वो कंफर्म और कंफर्टेबल तरीके से दिखा भी रहे। नंबर दूसरे की बात करते हैं बायर्न। देखो टुकल एक कप मैनेजर है और साथ ही साथ हैरी केन एक चीट कोड बन के निकला है, तो यहाँ पर प्रॉपरली हम बायर्न को एक लीथल फोर्स मान सकते हैं। ये चारों टीम एक तरफ और नंबर वन एक तरफ वो है मैनचेस्टर सिटी। यस छोटे छोटे माइनर दिक्कतें हैं, लेकिन अल्टीमेटली कोई भी टीम आसपास भी नहीं है अगर हम मैनचेस्टर सिटी के यहाँ पर नॉकआउट थ्रेट की बात करें।